हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीएससी आईएससी सेट के फिजिक्स के सेट 1 का क्विज लेने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट इज द, सबसे बेसिक कौन सा है इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स में? मल्टीमीटर, ओम मीटर, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप और फोर्थ गैल्वानोमीटर। इसका सही आंसर है फोर्थ गैल्वानोमीटर। इसका सही एक्सप्लेनेशन है, अ गैल्वानोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ गैल्वानोमीटर्स वॉज एन एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड एमीटर्स, यूज टू मेजर द डायरेक्ट करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन इलेक्ट्रिक करंट। तो गैल्वानोमीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होते हैं डिटेक्टिंग और मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने में और मेजर करने में। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ गैल्वानोमीटर्स वॉज एन एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो सबसे कॉमन यूज़ है गैल्वानोमीटर का वो है एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, जैसे कि एमीटर्स, यूज टू मेजर द डायरेक्ट करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट से जाते हुए डायरेक्ट करंट को, जिसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहा जाता है, उसे मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स अ बैंड गैप ऑल्सो कॉल्ड एन एनर्जी गैप। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एक बैंड गैप का एक टॉपिक है, उसे हम एनर्जी गैप भी कहते हैं। वो क्या है? इज एन एनर्जी रेंज इन ए सॉलिड वेयर नो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स कैन एग्जिस्ट। तो ये एनर्जी रेंज है इन ए सॉलिड वेयर नो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स कैन एग्जिस्ट। द एनर्जी गैप ऑफ डायमंड एट 302 केल्विन इज, जो एनर्जी गैप होती है डायमंड की एट 302 केल्विन टेम्परेचर, वो कितनी होती है? इसके ऑप्शन है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोर्थ 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द बैंड गैप इन डायमंड इज 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायमंड इज एन इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर। डायमंड एक इंसुलेटर का होता है रूम टेम्परेचर पे, और उसकी बैंड गैप होती है 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 302 केल्विन। तो इस 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप होने के कारण डायमंड इंसुलेटर होता है रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द पोजिशन इज कॉल्ड द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट। जो पोजिशन यहाँ पे पिक्चर में दिखाई गई है वो पोजिशन को एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन हैज़ अपोजिट चार्ज, सेकंड ऑप्शन हैज़ सेम मास, थर्ड इनहिलेट्स विथ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ ऑप्शन इज कोलाइड्स विथ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट हैज़ अपोजिट चार्ज। जो पिक्चर में दिखाया गया है जो उस पोजीशन को एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हैज़ अपोजिट चार्ज, वहाँ पे अपोजिट चार्ज मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज। जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो कौन सा फॉर्मूला फॉलोज करता है? ऑप्शन है n=n0e⁻80, सेकंड ऑप्शन n=n0e⁻80⁸, थर्ड ऑप्शन n=n0e⁻−80 एंड फोर्थ ऑप्शन n=n0e⁻−a⁸t। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन n=n0e⁻−80। ये फार्मूला रेडियो एक्टिव डीके फॉलो करता है, यानी रेडियो एक्टिव डीके का फार्मूला है n=n0e⁻−80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गैमा रेज कैन बी डिटेक्टेड बाय पासिंग देम थ्रू। जो गैमा रेज होती है उन्हें डिटेक्ट किया जाता है बाय पासिंग देम थ्रू, उनको पास करके। तो किससे कहाँ से उनको पास किया जाता है जिससे गैमा रेज डिटेक्ट होती है? ऑप्शन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन 2 मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन 3 इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ एंड फोर्थ इज सिंटिलेशन काउंटर। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। गैमा रेज इज एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी प्रोटॉन्स। गैमा रे एक एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और एंड देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी प्रोटॉन, और इसलिए उसमें हाई एनर्जी प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। गैमा रेज आर डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द इफेक्ट्स दे हैव ऑन मैटर। गैमा रेज डिटेक्ट किए जाते हैं ऑब्जर्व करके जो इफेक्ट वो मैटर पे डालते हैं। अ गैमा रे कैन डू अ फ्यू बेसिक थिंग्स विद मैटर, इट कैन कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड बाउंस ऑफ इट लाइक अ बिलियर्ड बॉल, कॉम्पटन स्कैटर, और इट कैन पुश एन इलेक्ट्रॉन टू ए हाई एनर्जी लेवल, फोटो इलेक्ट्रिक आयोनाइजेशन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 6, मैग्नेट्रॉन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। मैग्नेट्रॉन ये यूज़ किया जाता है किसके प्रोडक्शन के लिए? फर्स्ट ऑप्शन एक्सरेज, सेकंड ऑप्शन कैथोड रेज, थर्ड ऑप्शन माइक्रोवेव्स एंड फोर्थ ऑप्शन पॉजिटिव रेज। तो मैग्नेट्रॉन का यूज़ किस के प्रोडक्शन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है माइक्रोवेव्स। इसका सही एक्सप्लेनेशन है द मैग्नेट्रॉन इज एन हाई पावर्ड वैक्यूम ट्यूब। ये एक हाई पावर्ड वैक्यूम ट्यूब होता है दैट वर्क्स एज ए सेल्फ एक्साइटेड माइक्रोवेव ऑसिलेटर। जो वर्क करता है एज ए सेल्फ एक्साइटेड माइक्रोवेव ऑसिलेटर, वो एक सेल्फ एक्साइटेड माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है। क्रॉस इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड इन द मैग्नेट्रॉन टू प्रोड्यूस द हाई पावर आउटपुट रिक्वायर्ड। जो क्रॉस्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड्स क्रॉस किए जाते हैं, उसका यूज़ करके हम मैग्नेट्रॉन पे हाई पावर आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं जो माइक्रोवेव और रडार इक्विपमेंट में रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थवेक इज मेजर्ड विथ ए। जो इंटेंसिटी होती है अर्थवेक की वो किससे मेजर की जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर, सेकंड हाइड्रोमीटर, थर्ड पॉलीग्राफ एंड फोर्थ सिस्मोग्राफ। इसका सही आंसर है सिस्मोग्राफ। इसके यहाँ पे सही एक्सप्लेनेशन है अ सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थवेक्स। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ ए मास अटैच टू ए फिक्स्ड बेस। ड्यूरिंग एन अर्थवेक द बेस मूव्स एंड द मास डज नॉट। एक सिस्मोग्राफ होता है और सिस्मोमीटर भी कहा जाता है इसे। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटेक्ट करता है और रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक्स को। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ ए मास अटैच टू ए फिक्स्ड बेस। जनरली इसकी जो ढांचा होता है वो ऐसा होता है कि एक मास यहाँ पे अटैच किया जाता है फिक्स्ड बेस पे। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द बेस मूव्स एंड द मास डज नॉट। और अर्थक्वेक के से पहले जब बेस मूव्स होता है और मास डज नॉट, मास यहाँ पे किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करता लेकिन जो बेस होता है वो मूवमेंट करता है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय फोटोसेल। नीचे दिए गए में से ऑप्शन में से कौन सा फंक्शन फोटोसेल परफॉर्म करता है? फर्स्ट ऑप्शन इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू रेडिएशन। इलेक्ट्रिक एनर्जी को रेडिएशन में कन्वर्ट करता है। सेकंड ऑप्शन इट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्ड ऑप्शन इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू द लाइट एनर्जी एंड फोर्थ ऑप्शन इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर है इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फोटोसेल का ये काम होता है कि वो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करे और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इंटू डायरेक्ट करंट बाय। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है किससे? ऑप्शन ए डायनामो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी रेक्टिफायर एंड ऑप्शन डी मोटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेक्टिफायर। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिंग करंट इंटू ए डायरेक्ट वन बाय अलोइंग ए करंट टू फ्लो थ्रू इट इन वन डायरेक्शन ओनली। तो रेक्टिफायर होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। जो फ्यूज वायर होता है वो किससे तैयार होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी निक्रोम एंड ऑप्शन डी लीड-टिन अलॉय। इसका सही आंसर है लीड-टिन अलॉय, ऑप्शन नंबर 4। इसका सही एक्सप्लेनेशन है फ्यूज वायर्स आर मेड ऑफ टिन लीड अलॉय इंस्टेड ऑफ कॉपर ड्यू टू द वेरियस रीजन। तो इसके कई रीजन है। दिस वायर इज कंसिस्ट ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज द हैव हाई रेजिस्टेंस। जो टिन लीड एलॉय होता है उसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके कारण इसे कॉपर से पहले प्रेफर किया जाता है फ्यूज वायर्स बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सन स्पॉट्स आर। जो पिक्चर दिखाए गए हैं सन स्पॉट क्या होते हैं? ऑप्शन ए ह्यूज माउंटेन साइज पार्शियल गैसेस कम्बशन दैट टेक्स प्लेस ऑन द सन सरफेस। सेकंड ऑप्शन द डार्क पैचेस हैविंग लेस टेम्परेचर दैन द नॉर्मल सरफेस। थर्ड ऑप्शन ionized gas found near the solar surface and fourth option the magnetic storms on the surface of the sun। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड the dark patches having less temperature than the normal surface। Sunspots are spots or patches that appears from time to time on the sun surface appearing dark by contrast with its surrounding। Sunspots क्या होते हैं? तो स्पॉट्स होते हैं और पैच होते हैं जो अपीयर करते हैं टाइम टू टाइम ऑन द सन सरफेस अपीयरिंग डार्क बाय कॉन्ट्रास्ट विथ इट्स सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द रेडिएशन विथ हाइस्ट एनर्जी इज। जो रेडिएशन होता है हाइस्ट एनर्जी से कौन करता है? यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, आईआर, इंफ्रारेड, एक्सरे और विजिबल रेज। तो इसका सही आंसर है Option number 3, X-ray. X-ray is an electromagnetic wave of high energy and very short wavelength which is able to pass through many materials opaque to light. तो एक्सरे के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी से रेडिएशन फैलाते हैं एक्सरे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल डबल द पीरियड ऑफ ए सिंगल पेंडुलम. तो सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड होता है वो डबल किया जाता है. तो नीचे देखो में से कौन से एक्शन है. फर्स्ट, डबल द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. सेकंड, डबल द मास ऑफ द बॉब. थर्ड, मेक द मास ऑफ द बॉब टाइम्स ग्रेटर. एंड फोर्थ, मेक द पेंडुलम 4 टाइम्स लॉन्ग. तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मेक्स द पेंडुलम 4 टाइम्स लॉन्ग. ये किससे हमने निकाला कि एक फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का, जो पीरियड का सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g. टी यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√L/g. जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और एल यानी कि लेंथ. तो अगर हम पेंडुलम का जो लेंथ होती है वो अगर 4 टाइम्स कर दें तो √4L होता है 2L. बाहर आके क्या होता है 2L, यानी कि 2 × 2 4, मतलब डबल कर देता है पीरियड. यानी कि हमें क्या करना होगा, 4 टाइम्स लॉन्ग पेंडुलम लेना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट मेक्स द हेयर्स ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर. अगर हम जो हेयर्स होते हैं शेविंग ब्रश के टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, तो ये कैसे होता है. व्हाट मेक्स मतलब कौन सी यहाँ पे कंसेप्ट लगता है यहाँ पे. फर्स्ट विस्कोसिटी, सेकंड सरफेस टेंशन, थर्ड कोहेशन एंड फोर्थ नन ऑफ दिस. तो इसका सही आंसर है surface tension. The force inside the molecules of water also pushes in the air on the shaving brush as they have less mass. जो force होता है जो molecules के water के molecules के अंदर also pulls in the air on the shaving brush, जो ऐसे ही जो hair के अंदर होता है वो pulls करता है on the shaving brush as they have less mass, क्योंकि उसके पास less mass होता है. And due to this tension in the surface of water, the hair sticks together. और ये surface tension की वजह से जो tension होता है वाटर के surface पे उसकी वजह से जो हेयर होते हैं वो स्टिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू कीप द मून इन इट्स ऑर्बिट राउंड द अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय. तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है नीडेड होता है मून को ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट पे रखने के लिए इज प्रोवाइडेड बाय. वो कौन प्रोवाइड करता है. ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, फोर्थ नन ऑफ दिस. तो इसका सही आंसर है सेकंड, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. दिस इज देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ दैट ट्राइज टू पुल द मून टुवर्ड्स द लैडर. दिस कॉन्स्टेंट टग ऑन द मून एज इट मूव्स अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ए सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट पुल्स ऑन द अर्थ एंड कीप्स द मून इन मोशन. तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे बाहर जाने की कोशिश करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर आने की कोशिश करता है. इस ये होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, bats can fly in the dark without hitting anything because. bats डार्क में भी फ्लाई कर सकते हैं विदाउट हिटिंग एनीथिंग, किसी को भी न टकरा के. ये क्यों होता है. बिकॉज ऑप्शन है दे आर फ्लाइंग मैमल्स, क्योंकि वो फ्लाइंग मैमल्स होते हैं इसलिए. दे आर नाइट विजन इज गुड, उनकी नाइट विजन अच्छी होती है. दे आर गाइडेड बाय द अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोवाइड बाय देम. ये वो गाइडेड होते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के जो वो खुद प्रोवाइड करते हैं. फोर्थ ऑफ नो साइंटिफिक रीजन. तो इसका सही आंसर है थर्ड, दे आर गाइडेड बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस बाय देम. बैट्स ईयर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन देयर आईज. बैट के जो ईयर होते हैं कान होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आँखों से. दे यूज ए स्पेशल सोनार सिस्टम कॉल इकोलोकेशन. वो एक स्पेशल सोनार सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसका नाम है इकोलोकेशन. मीनिंग दे फाइंड थिंग्स यूजिंग इकोज, यानी कि वो थिंग्स फाइंड करते हैं इकोज की वजह से. तो ये है उसका पिक्चर. बैट सोना रिटर्निंग साउंड वेव्स, यहाँ से साउंड वेव रिटर्न होते हैं. अगर किसी थिंग को अगर टकरा गए तो वहाँ से वापस आते वेव्स और उनको पता चल जाता है कि आगे वो चीज़ खड़ी है, तो हमें उसे डॉच करना है और वहाँ से निकलना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एज ए पर्सन मूव्स क्लोजर टू ए प्लेन मिरर द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर. जो पर्सन मूव्स होते हैं क्लोजर टू द प्लेन मिरर से नज़दीक से जाते हैं. द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर. जो इमेज फॉर्म होती है मिरर पे वो कैसी होती है. इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिमेन्स द सेम. तो इसका सही आंसर है इंक्रीजेस. अगर कोई पर्सन प्लेन मिरर से क्लोजली निकल जाता है या फिर मूव्स होते हैं, यानी कि वहाँ से मूव करते हैं तो जो साइज होती है इमेज की जो मिरर पे बनती है वो इंक्रीज हो जाती है एक्चुअल उस ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर। तो प्राइमरी कलर्स होते लाइट के वो कौन से होते हैं? ऑप्शन ए रेड ब्लू एंड येलो, ऑप्शन सेकंड ब्लू ग्रीन एंड येलो, थर्ड ग्रीन रेड एंड येलो, फोर्थ रेड ब्लू एंड ग्रीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रेड ब्लू एंड ग्रीन। ये प्राइमरी कलर्स होते लाइट के। यहाँ पे देखिए रेड ब्लू एंड ग्रीन और इसके बीच में अगर ग्रीन और रेड को मिक्स कर दें तो येलो बनता है, रेड और ब्लू को मिक्स कर दें तो मैग्नेटा बनता है और ग्रीन और ब्लू को मिक्स कर दें तो सायन CYN वो कलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ पायरोमीटर यूज टू मेजर। पायरोमीटर का यूज़ किसके लिए होता है? क्या मेजर करने के लिए होता है? ऑप्शन ए लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी हाई प्रेशर एंड ऑप्शन डी लो प्रेशर। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन हाई टेम्परेचर। तो पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द जनरल मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ द बिलो थर्मोमीटर्स आर यूज्ड। अगर हमें जनरल मेजरमेंट लेना है टेम्परेचर का तो नीचे दिए गए में से कौन सा थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए मर्क्यूरी थर्मामीटर, सेकंड वेपर प्रेशर थर्मामीटर, थर्ड रेजिस्टेंस थर्मामीटर एंड फोर्थ रेडिएशन थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मर्क्यूरी थर्मामीटर। मर्क्यूरी थर्मामीटर इज स्टिल जनरली यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन दैट इट डिटेक्ट्स चेंज इन टेम्परेचर प्रिसाइसली। जो उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसकी वजह से वो जल्दी डिटेक्ट कर सकता है टेम्परेचर में जो भी चेंजेस होते हैं, यानी कि प्रिसाइसली वो टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कंट्रोल रॉड्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर मेड अप ऑफ। जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होते हैं वो किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कैडमियम अलॉय एंड ऑप्शन डी प्लूटोनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड कैडमियम अलॉय। कैडमियम अलॉय का यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कंट्रोल रॉड्स बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रेज आर प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर चेंजेस इन द एटम। नीचे दिए गए में से कौन से वेव्स रेज ये प्रोड्यूस करते हैं बाय न्यूक्लियर चेंजेस इन द एटम। तो नीचे के में से कौन से रेज प्रोड्यूस होते हैं जब न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं एटम में? ऑप्शन ए इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन बी गैमा रेज, ऑप्शन सी एक्स रेज और ऑप्शन डी लाइट रेज। तो इसका सही आंसर है गैमा रेज। गैमा रेज आर प्रोड्यूस्ड इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव एटोमिक न्यूक्लिया एंड इन द डिके ऑफ द सर्टन सब एटोमिक पार्टिकल्स व्हेन एन अनस्टेबल एटोमिक न्यूक्लियस डिकेज इनटू ए मोर स्टेबल न्यूक्लियस सी रेडियोएक्टिविटी द डॉटर न्यूक्लियस इज समटाइम्स प्रोड्यूस इन एन एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लोटेशन ऑफ ए शिप चेंजेस व्हेन इट सेल्स फ्रॉम द अरेबियन सी टू द इंडियन ओशन इट इज़ ड्यू टू द। अगर डेप्थ ऑफ फ्लोटेशन ऑफ ए शिप चेंजेस होते हैं व्हेन इट सेल्स फ्रॉम द अरेबियन सी टू द इंडियन ओशन इट इज़ ड्यू टू द, ये किससे होता है? ऑप्शन ए चेंज ऑफ प्रेशर, सेकंड चेंज इन वेट ऑफ द शिप, थर्ड चेंज इन डायरेक्शन, फोर्थ चेंज इन डेंसिटी ऑफ द सी वाटर। तो इसका सही आंसर है फोर्थ चेंज इन डेंसिटी ऑफ द सी वाटर। जो डेंसिटी ऑफ सी वाटर होते हैं वो चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ सडन डिक्रीज इन द बैरोमीटर मेट्रिक प्रेशर इंडिकेट्स। अगर सडन डिक्रीज होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर तो वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए अ स्टॉर्मी वेदर, सेकंड अ फाइन वेदर, थर्ड अ वेट वेदर और फोर्थ अ ड्राई वेदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अ स्टॉर्मी वेदर। A rapid fall of air pressure is a sign for an approaching low and is a sign for bad weather. Depending upon the drop rate for hour, you may expect strong winds up to a gale. Next, question number 25. The lens used to rectify long sight is. जो लेंस हम यूज़ करते हैं रेक्टिफाई करने के लिए लॉन्ग साइट के लिए तो वो क्या होते हैं? ऑप्शन है कॉन्केव लेंस, सेकंड कॉन्वेक्स लेंस, थर्ड प्लेन कॉन्केव लेंस एंड फोर्थ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका सही आंसर होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं रेक्टिफाई लॉन्ग साइड रेक्टिफाई करने के लिए। तो इसी तरह से हम 25 क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं फिजिक्स सेट 1 के, यूपीएससी आईएससी सेट के। इसी तरह से मोटिवेटेड रहिए, हम सेट 2 जल्दी से लाएंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव हम रखिए और किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए, ट्राई करते रहिए क्योंकि ट्राई करने से ही आपको सक्सेस मिलती है हमेशा। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सबको शिक्षा को, और हमें मोटिवेट रखिए, हमें इंस्पायरिंग करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।